कैसे दर्शन पाऊं तेरा, ओ मेरा, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे रघुराई। कैसे दर्शन दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन।
शक्ति देवी, गुरु अमृत की खान, भक्त प्रार्थना करता है सदगुरु से, प्रभु से, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मैं अवगुण हार की बेनती तुम सुनहु गरीब निवास, जो हम पूत कपूत हां तो हे पिता तेरी लाज, हम मन बुद्धि इंद्रियां और विषय वासनाओं में जीने वाले संसारी के जीव, भक्त प्रार्थना करता है सर्वेश्वर, हे सच्चिदानंद, हे सद्गुरुदेव, आप ब्रह्मानंद आत्मानंद के साथ एकाकार होने वाले ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, खाते पीते मौनिया कहते ब्रह्मानंद मस्ती में रहते, ब्रह्मज्ञानी का हंसना बोलना देखना चलना फिरना लेना देना सब ब्रह्ममय होता, और बापूजी के सत्संग पूज्य बापूजी ने हम सब, ऐसा हमें लगता है कि हम कुछ गुरुदेव को दे रहे हैं लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी चीज है ही नहीं जो हम दे सकें, लेकिन महापुरुष किसी ना किसी बहाने से बुला लेते हैं, कोई किसी बहाने से जुड़ गया, कोई किसी बहाने से जुड़ गया, कोई किसी बहाने से जुड़ गया, जैसे शिकारी कुछ दाने फेंकता है, जैसे मछियारा मच्छी पकड़ने वाला कांटा फेंकता है, वो बहाना है, असली बात तो उसको पकड़ना है। शिकारी की जाल में पक्षी फंसता है, वे मौत मारा जाता है, और मछियारे के कांटे में मछली फंसती है, बेचारी काटी जाती है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी सतगुरु वो कोई ना कोई बहाने से, कोई देखने के बहाने से आ गया, किसी ने ऋषि प्रसाद ही पढ़ लिया, कोई गोझरण लेकर के ठीक हो गया, बीमारी ठीक हो गई, किसी की मनोकामना पूर्ण हो गई, लेकिन ये सिर्फ बाहर बाहर के सिर्फ बहाने हैं, या यूं कहो कि फसाने हैं, फसाने समझते हो, अफसाने होते फसाने होते, तो जीवात्मा भी फंसा पड़ा है, तो सदगुरु कोई ना कोई वहां से कोई ना कोई फसाने फेंकते हैं, किसी ना किसी बहाने से आ जाए हम सदगुरु की शरण में। असली बात तो सदगुरु अपना आनंद अपना प्रेम अपनी करुणा अपनी कृपा देना चाहते हैं, और ये जो कृपा ये जो अनुकंपा सदगुरुदेव की हम सब पर वर्षी, तभी तो भक्त गाता है कि गुरु के द्वार पे आकर गुरुद्वार के नजारों को देख करके झूम उठता है, कह उठता है कि अद्भुत आनंद आता है, जब होते हैं सदगुरु के दीदार तभी तो दौड़े दौड़े आते हैं दूर दूर से नर और नार। इसलिए भक्त को ये अपने हृदय में एक उत्सव मनाना चाहिए कि आनंदित होना चाहिए कि अरबों खरबों जीव है जंतु है 84 लाख योनियां है, लेकिन न जाने मेरे प्रभु ने मुझ पर कौन सी महती कृपा और अनुकंपा करी कि मुझे सदगुरु के द्वार तक पहुंचा दिया,
आप सदगुरु के द्वार तक पहुंच गए तो प्रभु का द्वार और सदगुरु का द्वार कोई अलग तो है नहीं। सिर्फ सच्चे हृदय से गुरु के चरणों में बैठने और उनकी वाणी सत्संग पी करके अपने भीतर जो आनंद है उसको उभारने की देर है। इसलिए भक्त गाता है, मेरा धाम प्रभु मेरे, तेरा धाम सबसे ऊंचा और मैं कितना नीचा। जैसे केवट राम जी आए तो सोचने लगा कि मेरे प्रभु मेरी नाव में कैसे बैठेंगे, जैसे विदुरानी सोचने लगी भगवान कृष्ण को अपने घर पाकर कि मैं बहुत साधारण और छोटा, ऐसी जीवात्मा इच्छाओं और वासनाओं और कामनाओं में जीने वाला, फिर भी सदगुरु की करुणा कृपा देखी, इन सब चीजों के होते हुए भी हम सबको स्वीकार किया, तो उनकी कृपा है। तेरा धाम प्रभु मेरे ऊंचा नीचा है घर में, घर माने ये ईंट चूने पत्थर का नहीं, ये देह रूपी घर, हम मन बुद्धि इंद्रियों में जीने वाले संसारिक जीव, और कहां महापुरुष ब्रह्मलोक ब्रह्मानंद में आनंदित रहने वाले, फिर भी ये उनकी करुणा ये उनकी कृपा ही है कि हम जिस केंद्र में जी रहे हैं जिस भाव में जी रहे हैं वहां से उठाकर क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख में सदगुरु लेके आते हैं, और भावजन्य सुख से ऊपर अपना आत्मानंद का सुख हमारे भीतर हृदय में अनुभव कराते हैं। इसलिए गाइए, हे मेरे सदगुरु कैसे मैं तेरा दर्शन पाऊं, वो मेरे रामा, हे मेरे श्यामा, हे मेरे रघुराई, हे मेरे सदगुरुदेव, पुकारिए सभी, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई। सुंदर पाप भरा धट मेरा, तू है शुद्ध पवित्र सुंदर पाप भरा धट मेरा, तू है शुद्ध पवित्र सुंदर पाप भरा धट मेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, ओ मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, कैसे दर्शन पाऊं तेरा, मेरे रामा, ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे रघुराई।
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna.